अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक गमट्री रियल इस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। इस टाइम जी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रिंग रोड का जो लास्ट इंटरचेंज है ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। एक तो आपको रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से अपडेट देंगे और साथ साथ जी ठलिया इंटरचेंज के ऊपर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है आपका फैसल टाउन फेज़ टू, इसकी एक्चुअल साइट के ऊपर आपको अपडेट करेंगे। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम नए मेहमान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरे बैक साइड पे अगर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये आपका थ्रू आउट रावलपिंडी रिंग रोड है और जिस जगह पे मैं ये आप वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपका ठलिया इंटरचेंज है और बेसिकली रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 इंटरचेंजेस है, जिसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो रवात है और दूसरा चकबेली खान, तीसरा अडियाला और चौथा आपका चक्री इंटरचेंज है और पाँचवां ठलिया इंटरचेंज है। मेरे राइट साइड पे देखें तो ये सिल्वर सिटी का आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, सिल्वर सिटी के साथ ही ये आपका जी ठलिया इंटरचेंज है। आने वाले टाइम में जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा है वो भी इस ठलिया इंटरचेंज के ऊपर आके शिफ्ट होगा। आने वाले टाइम में ये आपका जीरो पॉइंट है और इसी तरह जी आप यहाँ से मोटरवे M1 की M2 की तरफ एक्सेस करते हैं इस्लामाबाद टूअर्ड लोअर। तो इसी तरह जी अगर आप आने वाले टाइम के अंदर जो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से अपडेट है, सबसे पहले तो वो ये है कि दिसंबर 2024 के अंदर ये ऑपरेशनल डेट इसकी आ गई है। पहले तो 14 अगस्त थी कि 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग डेट थी लेकिन अभी पोस्टपोन की गई है, तो ये अभी आपका दिसंबर 2024 तक रिंग रोड की ओपनिंग डेट है। तो अगर 2024 की बजाय 2025 मिड में भी ये ऑपरेशनल होता है तो आने वाले टाइम में जिन मेम्बरान की फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर या स्पेशली जो भी रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन करेंगे। जहाँ तक फैसल टाउन की बात है ये मेरे बैक साइड पे अगर थोड़ा सा हम दिखाएं तो आपको ये जितना एरिया है ये आपका फैसल टाउन फेज़ टू है और लेफ्ट साइड पे ये आपका ओवरसीज ब्लॉक या ओवरसीज इनक्लेव जो ब्लॉक सोसाइटी ने लॉन्च किया है वो ये है। तो थ्रू आउट अगर देखा जाए तो रिंग रोड के ऊपर तकरीबन आपका 6.5 से 7 किलोमीटर का जो पैच है वो आपका फैसल टाउन फेज़ टू थ्रू आउट है। अगर जो भी मेम्बर एयरपोर्ट से एग्जिट करेगा तो हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप फैसल टाउन फेज़ टू में आ सकते हैं। और इसी तरह जी अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एग्जिट करके टूवर्ड जाते हैं रिंग रोड थ्रू दीना जेलम गुजरात खारियाँ इस तरफ आते हैं तो आपको सबसे पहले जो ठलिया इंटरचेंज के साथ सोसाइटी आएगी राइट साइड पे वो आपकी फैसल टाउन फेज़ टू होगा। तो मेरे ख्याल से फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है सिल्वर सिटी के अंदर, रूडन इनक्लेव के अंदर, आगे इसी तरह जी सैफ्रॉन सिटी है या फिर उसी तरह अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट टाउन है या कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, जिन लोगों ने स्पेशली इन एरियाज़ के अंदर रिंग रोड की वजह से इन्वेस्टमेंट की है अगले 2-1 साल के अंदर ये अपनी अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और स्पेशली फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर जी अभी आपके पास बड़ा गोल्डन चांस है। आप ठलिया इंटरचेंज के ऊपर अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो सबसे पहले जो आपका ओवरसीज इनक्लेव है उसके अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी जी गाय बगैर आपको रावलपिंडी रिंग रोड के वाले से भी अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मजीद जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड के लेफ्ट राइट पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है स्पेशली फैसल टाउन है, रूडन इनक्लेव है, इसी तरह जी अगर सैफ्रॉन सिटी है, इन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है और स्पेशली आप कोई फाइल बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी ऑन गोइंग अपडेट्स है आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।